के नवरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। दादू, आप ये संस्कृत में क्या बोल रहे हो? इसका क्या मतलब है? बेटा ध्रुव, ये माँ आदि शक्ति की पूजा का मंत्र है। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। ओह अच्छा, पर दादू हम आज इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? बेटा, माँ आदि शक्ति का पूजन करने से इस संसार के सभी सुख और शक्तियों को पाना बहुत सरल हो जाता है। तुम तो जानते ही हो, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे? दादू ये क्या होता है? बेटा, नवरात्रि का अर्थ होता है नौ रातें, और इन नौ रातों को हम माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। नौ रातें, नौ रूप? मैं कुछ समझा नहीं दादू, जरा अच्छे से बताइए ना। बेटा, नवरात्रि के पीछे भी एक रोचक कहानी है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र मास के नवरात्रों से ही होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता ने अपने पति भगवान शिव से अपनी माँ के घर जाकर कुछ दिन रहने का आग्रह किया, और भोले भंडारी से अनुमति लेने के बाद वो अपने पिता के घर जा पहुंची। तभी एक राक्षस ने चारों ओर खूब तबाही मचा रखी थी। इसे रोकने के लिए त्रिदेव की शक्तियों से एक महाशक्तिशाली देवी का जन्म हुआ, जिसे माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास हर तरीके से हम हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व रखता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार चैत्र के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा था, और तीसरे दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की थी, और इसी प्रकार नौवे दिन विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया था। तो दादू, देवी का जन्म लेना, संसार का बनना, क्या ये सब नौ दिनों में ही हो गया था? और क्या हम सिर्फ इसीलिए उन्हें पूछते हैं? नहीं बेटा, नवरात्रों के ये नौ दिन हम देवी के नौ स्वरूपों का उनके नियम अनुसार ही पूजन करते हैं। हर एक दिन हर एक रूप को समर्पित है। अरे वाह, नौ रूपों की तो नौ कहानियाँ होंगी। दादू बहुत मजा आने वाला है, सुनाओ ना सुनाओ। तो बेटा, पहले रूप का नाम है शैल पुत्री। शिव पुराण के अनुसार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन कराया था, पर उस यज्ञ में उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को नहीं बुलाया। महादेव के लाख समझाने पर भी सती उस यज्ञ में जा पहुंची, और अपने पिता द्वारा अपने पति के बारे में नीची बातें सुनकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से खुद को भस्म कर लिया। ये देख शिव ने तांडव कर सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहीं सती अगले जन्म में पर्वतों के राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी, जिन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना की जाती है। शिव पुराण में बताया गया है कि पार्वती ने कई हजारों वर्ष तक शिव की उपासना की, ताकि वो उन्हें इस जन्म में फिर से पति के रूप में पा सके। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि पार्वती ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए, और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए, और भगवान शंकर की आराधना करती रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही।
उनकी इसी दृढ़ निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण देख देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताया। हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और देवों के देव महादेव शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ के इसी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तीसरा नवरात्र कई रूपों से मुख्य बताया गया है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कथाओं के अनुसार इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। दादू, मुझे नहीं पता था कि माँ दुर्गा के इतने सारे रूप भी हो सकते हैं और वो भी इतने शक्तिशाली। बेटा ध्रुव, ये तो सिर्फ तीन ही रूप हैं, अभी तो उनके 6 रूप बाकी हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के कुष्ठ मांडा के रूप को समर्पित है। मान्यता के अनुसार जब चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा गया है। उनकी उपासना से साधक को अत्यंत शक्ति का आभास होता है। अब माँ के इतने रूप हैं कि कितनों का क्या बखान करें। धार्मिक ग्रंथों में जहाँ देवी की पूजा से शक्ति पाने और कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है, वहीं माँ का पांचवा रूप स्कंद माता बुद्धि देती है। इनकी उपासना से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं इनका छठवा रूप कात्यानी देवी के नाम से जाना जाता है, उन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है और उनकी उपासना से साधक को सभी प्रकार के धर्म, कर्म, मोक्ष सभी की प्राप्ति होना तय है। तो बेटा, तुम कहीं बोर तो नहीं हो रहे ना? क्या बात कर रहे हो दादू, ये तो बहुत ही रोचक है। मैं तो ऐसे ही विदेशों के सुपर हीरोज को देख रहा था, बल्कि हमारे देश में तो वंडर वुमन से भी ज्यादा शक्तिशाली हीरो है। अच्छा दादू, ये तो सिर्फ 6 ही रूप हुए और बाकी के? रुको बेटा, बताता हूँ। माँ का सातवां रूप उनके सभी रूपों से बिल्कुल ही अलग है। काले घने बिखरे हुए बाल, त्रिनेत्र, गले में कपालों की चमकती माला, एक हाथ में कपाल और दूजे में शस्त्र, माँ दुर्गा का सातवां रूप है काल रात्रि। जैसा इनका नाम है, वास्तव में इनका रूप भी उतना ही भयंकर है। इनका रूप अंधकार की तरह काला है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ काल रात्रि की आराधना करने वाले को किसी भी चीज का भय नहीं रहता और उसके दुश्मन अपने आप ही जैसे कहीं गायब हो जाते हैं। माँ का आठवां रूप है महागौरी, जो माता पार्वती को शिव को पाने के बाद मिला। उनके नौवे रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहते हैं जो पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करता है, उनको माँ के बाकी सभी रूपों का फल मिलता है। शिव पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार महादेव शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री रूप की तपस्या की थी और उन्होंने कई शक्तियां भी प्राप्त करी थी, जिस कारण उन्हें अर्ध नारेश्वर भी कहा जाता है। तो बेटा, ये थे नवरात्रि को पूजे जाने वाले 9 रूप। पर बेटा, इन सभी रूपों की पूजा इतनी भी आसान नहीं होती। इन 9 दिन सभी श्रद्धालु बिल्कुल सात्विक तरीके से रहते हैं और व्रत का पालन करते हुए हर दिन माँ के एक रूप पर ध्यान लगाते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वर्जित ही माना गया है। इन 9 दिन में ब्रह्मांड से एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जो हर प्रकार से साधक को परिपूर्ण कर देती है और उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाइयां नहीं रहती। अरे वाह दादू, हमारी माँ दुर्गा तो सुपर हीरो है। ध्रुव, सुपर हीरो नहीं, सभी सुपर हीरो की माँ है।
तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि मनाने के पीछे कुछ रोचक कथाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको और आपके परिवार को हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा इन नवरात्रों में आपकी सभी मनोकामना को पूरा करे। आप सभी को महावॉरियर की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।